आपकी बड़ी देवी हो कभी आप सुंदर कांड की सुंदरता उसकी परिभाषा यह जो प्रसंग आपके सामने किया गया है मेरे माध्यम से वह भगवान श्री राम के अवतरण की प्रक्रिया यदि हम आज भी जीवन में यह चाहते हो हमें का अनुभव हो यानी ईश्वर की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हम ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर को चाहते हैं, पर सत्य इससे नहीं होता है और उसका प्रतीकात्मक संकेत अर्जुन और दुर्योधन के संदर्भ में श्रीमद् भागवत महाभारत के साथ होता है। जैसे कि दुर्योधन को यह ज्ञात था कि अर्जुन और भगवान कृष्ण में मित्रता है और उसने यह सोचा उस समय की यह परंपरा मानी जाती परंपरा थी और बड़ी विचित्र थी कि जैसे निमंत्रण देने पर जो पहले निमंत्रण देता है वैसे समझता है कि उसे स्वीकार करे तो युद्ध को भी इस दृष्टि से देखा जाता है। तो युद्ध में भी जो पहले निमंत्रण लेकर के आए योद्धा को उसी ओर लड़ा आगे बात करी है कभी पर वो इतिहास में समाज में बड़ी विचित्र विचित्र मान्यता है। दुर्योधन ने भी लाभ उठाने का प्रयास किया और उसने यह निर्णय किया यदि मैं अर्जुन के पहले पहुंचकर निमंत्रण दूंगा तो परंपरा से भगवान कृष्ण को भगवान को मानता नहीं था कृष्ण को मेरे आमंत्रण को स्वीकार करके मेरी ओर से ही लड़ना होगा। दुर्योधन का रथ भी तीव्र शक्ति वाला था वह सत्ता में समर्थीन था और अर्जुन से पहले सचमुच वह भगवान के भवन में जहाँ वे विश्राम कर रहे थे वहां पहुंच जाता है। पर भगवान तो बड़े कौतुकी है कि जब सेवकों ने ये कहा सेवकों से दुर्योधन ने कहा कि हम श्री कृष्ण से मिलना चाहते तो सूचना मिली कि अभी तो कृष्ण सो है। ईश्वर के सोने और जागने की जो धारणा है बड़ी तस्वीर रखती है। ईश्वर कभी सो जाता है कभी जग जाता है तो क्या व्यक्ति की तरह उसका भी सोना और जागना होता है। उसका सांकेतिक तात्पर्य है ईश्वर यदि सर्वव्यापक है सबके हृदय में है तो फिर दो व्यक्तियों में कैसे अंतर किया जा सकता है। कह सकते हैं कि संत और असंत इनमें क्या है। यदि संत के हृदय में भगवान है असंत के हृदय में भी भगवान है तो दोनों में क्या है। और तब उसकी सांकेतिक भाषा यही है कि जिसके हृदय में ईश्वर सो रहा है वो असंत और जिसके हृदय में ईश्वर देख गया है वही संत। इसलिए प्रदेश में एक गांव में बड़ा सुंदर उत्तर दिया पूछा गया ईश्वर कहाँ किसके पास किसके हृदय में रहता है तो उनका सब घट मेरा साईं है। कोई ऐसा घट नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जहां मेरा स्वामी हो। बड़ी सुंदर शब्द सुना
है, लेकिन शब्द क्या है? सब घट मेरा स्वाई तानिया सुनी सेज लगो है। सेज का अर्थ होता है भला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय की शैया पर ईश्वर न सो रहा हो। और पर उन्होंने कहा कि अंतर कहाँ है? उनका जहां सोया हुआ है वहां तो सारे दुर्गुण जीवन में विद्यमान है। जैसे आपके घर में चोरी हो तो होता ही होता है कि आप सो हुए और चोर ने आकर के चोरी कर लिया, और वही सत्य तो दिखाई देता है। हृदय में ईश्वर है पर निरंतर चोरी हो रही, और वो चोर कौन से है? अभी इस बात की चर्चा कर रही थी, मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर पुनर इन कौन को रहा। जब श्री राम का राज्य हुआ तो चोरों के लिए अवसर नहीं आ गया, और उसमें सबसे पहले मत्सर का नाम लिया गया। मत्सर ही चोर है, उसका अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति सावधान नहीं होगा, जब सुषुप्त होगा, तमोगुण से युक्त होगा, तब मत्सर या अन्य लोग उसके हृदय में प्रविष्ट होकर के सब विचारों की चोरी करते। इसलिए भी कहते हैं कि सबके घट में होता हुआ भी स्वामी सो रहा है। अन्य कौन पूरा सब घट मेरा साइया सुनी तेजन को बलिहारी वह घट की या घट प्रगट। जिसके गहरे में उठ गया है, जागृत हो गया है, वो ये जो संकेत महाभारत की कथा है कि ईश्वर के पास जो ईश्वर न मानने पर भी यह तो मानता था कि बड़े शक्तिशाली एक साम्राज्य के सैनिक उनके रुकते हैं और उसके उसे पाना है और उन्हें अपने पक्ष की ओर लड़ने के लिए बाध्य करना है, लेकिन सूचना ही नहीं मिलेगी। अभी तो सो रहे, अब उसको चिंता हो गई। कहा कि सो रहे तो क्या है, क्या सो रहे हैं? भैया के बैठ जाऊंगा और जाकर के देखा कि कहाँ बैठना चाहिए। तो रहे जो अच्छा आसन फिलहाल इच्छा था बड़े यारों से देख लिया, अर्जुन नहीं पहुंचा है तो बड़ा अच्छा हुआ। और थोड़े क्षण बाद ही अर्जुन ने प्रवेश किया, भगवान पीतांबर से ढके हुए सोए हुए थे, लड़ रहे थे, पर अर्जुन आकर के चरणों में बैठ गया। स्वाभाविक था कि भगवान ने जो ही पीतांबर हटाया उन्होंने कहा अर्जुन कब आए। दुर्गन घबरा गया, याद रखिएगा मैं पहले आया हूं। भगवान ने कहा बड़ी समस्या है, तुम पहले आए और मैंने इन्हें पहले देखा। हम स्वामी शरण जी महाराज का तो वाक्य नहीं भूलते, हृदय चक्षु थे हमने ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने उनके सत्संग का श्रवण किया हो। बड़े विलक्षण उत्तर उनके होते थे, वृंदावन में दर्शन के लिए जा रहे भक्त उन्होंने कहा हम चले। संकोच लगा, कहते हैं नहीं कर हम चलेंगे, कोई कह नहीं सकता था। जहन जी के मंदिर में गए, खड़े हो गए, और तब कई लोग मुंह पर टोटे भी गए। हमारे जी बताइए कि हम लोग तो दर्शन करते देख रहे और आप तो नेत्र नहीं है, तो फिर आप तो दर्शन कर लिया। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मेरे पास तो आंखें नहीं है, पर जिसके पास प्राणे हैं उसके पास तो आंखें हैं। मैं नहीं देख रहा हूँ, प्रभु तुम नहीं देख रहा हूँ, ईश्वर भी देख लेगा। ईश्वर ने किसे पहले देखा?
ईश्वर को नस्त को देखता है, नस्त को दुख को देख करके वो जल जाता है, और भक्त को देख करके उन्होंने यही कहा मैंने पहले देखा और बड़े कौशिकी है कि नहीं मैं सहायता तो दोनों की करना चाहता हूँ। उन्होंने ये निर्णय किया है कि एक और यादवों की एक छोड़ी प्रमुख सेना एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में मैं रहूं, लेकिन स्पष्ट बता दूं कि मैं शस्त्र लेता हूं और लड़ूंगा भी नहीं। अब दुर्योधन को उन्होंने कहा कि देखे किसको पहले अवसर लेते और संयोग ऐसा कि भगवान कृष्ण होता न तो अर्जुन को नहीं देंगे, अर्जुन तुम छोटे हो देखो पहले न भगवान छोटे को बड़ा महत्व देते उनकी बात थी तुम बड़े हो ये छोटे हैं छोटा। और जब अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं तो आपको चाहता हूँ सेना छोटे दुर्योधन के आनंद की सेवा नहीं थे बड़ा अच्छा बहुत पहले दुर्योधन ने कई मित्र ने किस पालन को दे दिया वो लड़ेगा नहीं शस्त्र लड़ाएगा नहीं पूजा करेंगे हमें ईश्वर नहीं चाहिए हमें उसकी सेना चाहिए हमें उसके जीव पदार्थ चाहिए क्योंकि ईश्वर तो सत्य दिखाई भी नहीं दे रहा सत्य ईश्वर का सत्य सबके हृदय में ईश्वर जो है सत्य तो नहीं है कोई आपके पक्ष में बात हथियार लेकर के लाएगा वो हमें दिखाई देता मानो यही वस्तु का भगवान को पाने वाले व्यक्ति को भगवान से हम विविध प्रकार के वस्तुओं की याचना करते हैं मानते हैं और भगवान देते ही है मानो क्रिया का परिणाम को देना एक उनका विधान है लेकिन जब हमें ईश्वर की आवश्यकता अपने प्रसन्न पर मानस को जान लिया ये दो ऐसे पक्ष है कि जिन्होंने भगवान को चाह एक और तो महाराज और जो भगवान के दर्शनों की उत्कंठा लेकर नैमिषारण्य में जाते हैं और साधना करके भगवान का दर्शन पाना चाहते और दूसरी ओर वह प्रसंग आप करते हैं जहाँ सारे देवता एकत्र होकर ब्रह्मा के जो ब्रह्मा उनके नेतृत्व करते हुए स्तुति करते हैं और स्तुति आपने बड़ी होगी और आप जैसे बहुत लोग उसके अनित पाठ करते होंगे जय जय सुर नायक जन सुर नायक पालो भगवान के अवतार के संदर्भ में दोनों मन प्रश्न का दर्शन चाहते हैं और देवताओं को भी भगवान यह वचन देते हैं कि मैं अवतार हूं एक अंतर आप देखें मनोचतुर्था के सामने भगवान प्रकट पर देवताओं को आकाशवाणी से आश्वासन मिला भगवान सामने मिले इसलिए पूछा मन को आपने दर्शन दिया और देवताओं को नहीं गुरु ने हंस करके कहा मन मुझे देखना चाहते थे इसलिए उनको दर्शन देते इन देवताओं को तो कुल स्वार्थी ही चाहिए तो दर्शन की क्या आवश्यकता तो उन्होंने प्रार्थना किया हमने कहा ठीक है इसलिए गोस्वामी जी देवताओं की संख्या आलोचना करने में संकोच नहीं लेकिन आए देव जब ब्राह्मण मारा गया देवता स्तुति करने आए और बहुत सुंदर स्तुति किया गोस्वामी जी ने यही कहा हाय देव सदा स्वागत और स्वागति लेकिन बोलते कैसे तो वचन कहे जो परमार्थ बोलते हैं तो भाषा परमार्थ की होती है और हृदय स्वागत तो इस तरह में गया था तो मेरी थोड़ी गुजराती महिला ने गुजराती की कावत सुनाई और गुजराती कावत तो मुझे याद नहीं है प्रभाव बड़ा सुंदर कहे
जिसने भगवान से प्रार्थना किया प्रभु सबका भला हो, बड़े ऊंचे विचार सबका भला हो उसने कहा, पर अचानक उसने कहा सबका भला हो पर वो भले बन का शुरुआत मुझसे की सबसे पहले मेरा भला चाहिए। आशा तो पहले की बड़े परोपकारी किए और हृदय में केंद्र को अपने स्वास्थ्य हनुमान जी महाराज जब लंका से लौटे और प्रभु ने श्री हनुमान जी से पूछा, लंका में जन्मभूमि है और कैसी किस रूप में है और तुम मुझे सुनाओ कि वो किस रूप में लंका में अपने दिन नहीं थे। हनुमान जी ने यही कि प्रभु सीता जी की विपत्ति तो अतिशय विशाल है, सीता के अति विपत्ति विशाला, ये रामायण के शब्द जो है सुखमंदी से जोड़ी गई कविता नहीं। हनुमान जी कह सकते हैं कि सीता जी बहुत विपत्ति, पर उन्होंने सीता जी के विपत्ति के साथ दो शब्द और जोड़ दिए, सीता के अति विपत्ति विशाला। सीता जी की विपत्ति जो है अतिशय विशाल है। प्रभु ने पूछा, वो जानते हनुमान जी का तो एक वाक्य भी निरंतर नहीं होता, पूछा कि तुमने उस समय ये विपत्ति के साथ ये अति विशाल अति कहना तो असर कर रहा। हनुमान जी का जन्म बहुत मधुर, उनका प्रभु हम लोग सर्वदा जब कहते थे तो ये कहते कि भगवान की भुजाएं बड़ी विशाल है, भूषण भूषण बने वाला नैने विशाला या बुध विशाल भूषण जी तो भोरी पूरी। तो संसार में सदा हम कहते रहे कि भगवान की भुजाएं विशाल है, पर सीता जी को देख के लगा कि उनकी विपत्ति अति विशाल है। तो अगर आपकी भुजा की विशालता वहां पहुंच जाती तो विपत्ति दूर कर दे और नहीं दूर कर पाई तो लगता यही है कि आपके भुजाओं से विपत्ति आपके भुजाओं की विशालता को लेकर के भक्तों ने इतना कुछ कहा और ये कहा कि भगवान अपनी विशाल भुजाओं के द्वारा निरंतर जीव की भक्ति रक्षा करते हैं और जैसे मैं नहीं लेता में इतना कष्ट उठा रही है तो प्रभु यही कहना पड़ेगा विपत्ति जो है अति विशाल। पर आपने आज्ञा किया कि तुम उस विपत्ति का वर्णन करो तो मैं कहूंगा, बिना ही कहे भल दीन क्या है, दीन क्या न कहने में ही अच्छा सीधा सा वाक्य कितना बड़ा है, एक तो था दीन दयाल और बिना ही कहे तात्पर्य क्या है। प्रभु न कहना इसलिए अच्छा है कि निरंतर हम लोग कहते हैं कि भगवान को दीन दयाल, लेकिन मैं अगर सुनाने लगूंगा कि सीता जी इतनी विपत्ति में है तो दीन दयालता पर लोगों की आस्था उठ जाएगी, तो अपने प्रिया का तुम नहीं दूर कर सकते हो कार्य करें, कोई अच्छा सुनने वालों की आस्था बढ़ जाएगी, इसलिए बिना ही कहे बल दीन दयाल। संकेत ऐसा वाक्य कहा कि प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने गौतम जी ने कहा कि हनुमान जी ने ये कहा सीता है निकाला, बिना ही कहे बल दीन दयाला नहीं सुने करुणा ने दी जान कर सबने देखी चले प्रभु आने वो जो पद सफल दर जी आप विलंब कीजिए चमत्कार मत दिखाइए, यहाँ से मर मर के मर चला के भी आप रावण का वध कर लेकिन आप कभी मार के तो आपसे ऐश्वर्य का परिचय है पर आप स्वयं चलेंगे तो प्यार का परिचय स्नेह का विलंब कीजिए।
और हरी हरी आए जल भगवान के आंखों में आंसू आए और उन्होंने सुग्रीव की ओर देखा। अभिलंब के कारण की है। और दूसरा दृश्य श्रीलंका का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध लंबा की तरह था और तुरंत देवताओं ने भी आकर के स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु आप विलंब कीजिए, रावण को मारने पर उसके साथ एक वाक्य जोड़ दिया, अब जन राम खिलाओ एक ही। अतिशय दुखी तो हो तो मैंने सीता जी कितनी दुखी है आप इस पर तो ध्यान दीजिए। जब देवताओं के वाक्य प्रभु ने सुने तो अगला वाक्य तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं, देव वचन सुन प्रभु मुस्काना। हनुमान जी ने सुनाया तो रोने लगे और देवताओं ने वैसे ही कदम दिया था, क्योंकि हनुमान जी कह रहे हैं तो सचमुच किशोरी जी के प्रति कितनी आर भक्ति है और कितनी भावना से कह रहे हैं। और प्रभु जानते हैं कितने स्वार्थी हैं कि नाम लेने है तो हमने क्यों लिया है, ऐसा दिखाई देना चाहिए कि हम तो सीता जी की विपत्ति से ही दुखी है और इसलिए हंस पड़े। आप लोगों को बड़ी चिंता हो गई है, पर वो चिंता तो सीता जी की नहीं है, अपने स्वर्ग और भोगों की है। अगर रावण मारा जाए तो निश्चिंत होकर के स्वर्ग का आनंद ले सके। तो सत्य यह है कि भगवान की आवश्यकता स्वयं निर्दयी व्यक्तियों के जीवन में होती है और जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भी भगवान करते हैं। उन्होंने एक स्वभाव और एक नियम बना रखे हैं, कर्म को भी एक आधार बनाया और वो तो ये मान के चलते हैं कि कर्म भी चाहे आर्थ हो चाहे अर्थार्थी हो चाहे कोई व्यक्ति विपत्ति में पड़ के मुझे पुकारे या धन के लिए तो भी मैं उसकी भावना इच्छा पूरी करता हूँ। तो ये तो एक बात है, वो तो भगवान का ऐसा व्यवहार तो निरंतर रहता है। जब वो दुर्योधन को भी अपनी सेना दे देते हैं और वो सेना दुर्योधन की युद्ध करती हुई मानी जाती है, तो उसका भी संकेत यह है कि भगवान ने दिया वो नश्वर था, नाशवान था। तो यह अधिकांश व्यक्तियों की समस्या ईश्वर नहीं है, उसकी आवश्यकता ईश्वर न हो करके कामना है स्वार्थ। तो भगवान के संदर्भ में कामना और स्वार्थ की भी इस अर्थ में निंदा नहीं है कि वे इतने उदार हैं कि कामना को वे स्नेहपूर्वक उसे पूरी करते हैं। अवतार कब होगा, अवतार कितने दिनों तक तो नहीं होगा, और तात्पर्य था कि अवतार तभी होगा जब किसी को ईश्वर की ऐसी आवश्यकता का अनुभव हो कि उसको लगे कि नहीं ईश्वर के बिना हमें कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर एक नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है, अभाव हो पीड़ा हो जागरूकता हो। तो पहली पृष्ठभूमि तो यही है कि हमारे हृदय में मनु के समान दुख यदि नहीं हो रहा, दशरथ के समान यदि ज्ञान नहीं हो रही, उत्कंठा नहीं है तो संसार तो चल ही रहा है, व्यवहार चल ही रहा है, उन्नति औन्नति तो हो ही रही है, भगवान के लिए उसकी तो अपेक्षा तो है। पर जब कोई ऐसा भक्त जैसे भक्त महाराज मनु क्या वह भक्त महान भक्तिमती श्री कौशल्या अम्मा के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और जो पूर्व जन्म में सतरूपा थी, और आप ये देखेंगे कि विधिया जी हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगो घर बहु भात लुभाए, परम धीर नहीं चलेगा, सबने आके कहा जो मांगना हो मांग लो। और इन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद जब प्रार्थना की तो ये कहा कि आपका दर्शन हो जाए, दर्शन किस रूप में चाहते हो, तो उन्होंने बता दिया जो स्वरूप पर शिव मनमाई एक कारण मन कर। पर जब भगवान सामने आ गए तो प्रभु ने पूछा क्या चाहते हैं,
संकोच में पड़े हैं। उनके मन में तो यह आकांक्षा है कि भगवान अवतरित हो और मेरे पुत्र के रूप में जन्म है। अब जगत पिता से पुत्र बनने की बात कहना अशिष्टता भी बड़ा दुस्साहस है, इसलिए मनु संकोच में पड़ गए। तब उन्होंने बड़ी घुमावदार भाषा में कहा कि महाराज मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि चाहम तुम्हें समान सुख है। सीधे नहीं कहा मेरे पुत्र बने, आपके समान पुत्र चाहिए। वैसे आपने तो बड़ा कठिन कार्य दे दिया, मेरे समान तो पहले मैं घूमता फिरूं, ये गुरु को मेरे समान कौन है? इसलिए शब्द कहता संकोच छोड़ दो, जो मांगना हो मांगो और सब कुछ बिहारी मांगो निर्भ मोहि मोहे नहीं अधेय कुछ कोई। शब्द बड़ा सार्थक, सब कुछ बिहारी मांग निर्भ मोहि। तुम ये क्यों कहते हो कि मेरे समान मुझे कोई तो नहीं मांग रहे, मैं सिर्फ को देने को प्रस्तुत। अब मन का संकोच छूट गया और उदार कितने कि मनु जी ने सोचा था कि एक रूप में ईश्वर या दो रूप प्रभु के बाम भाग में जनक वो आदि शक्ति जी था, उस समय जनक की पुत्री तो बनी नहीं। तो आश्चर्य से सोचा कि इस दर्शन का कोई विशेष तात्पर्य होगा, तो भगवान ने जो बात कहा बड़ा अच्छी तरह, मैं तो अवतार लूंगा ही पर आदि शक्ति ने जगह उपजाया सो अवतरी मोरिया, मैं तो अवतार लूंगा ही पर जो आदि शक्ति है और जिन्होंने संसार का निर्माण किया है ऐसी माया शक्ति भी मेरे साथ अवतार ले। इतनी मीठी भाषा निरंतर आप एक को देव दो आ जाए। तो भगवान जब कहते हैं तो मनु ने तो सीता जी को निमंत्रण दिया नहीं, पर भगवान ने विनोद भरी दृष्टि से देखा, तुमने मुझसे अभी पहले कहा कि आप अपने समान पुत्र दीजिए तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए पुत्र बन रहा हूं, पर जब जब फिर आगे मेरी अवस्था बढ़ेगी और किशोर में होऊंगा तो चिंता ये हो जाएगी कि मेरे पुत्र कितना योग्य वधु मिल जाए, तो मैं पहले से वधु लिए आ रहा हूं, इतना खोजने का तक तुमने न कर रहा, इसलिए तुम कह रहे हो तो मैंने मान लिया कि इनको देखते। तो ईश्वर की अपनी अद्भुत उदारता है और वो किस तरह से देता है, तो लेकिन जो उनको उनसे ही मांग लेता उससे बढ़कर के तुम बात हम ईश्वर से कुछ मांगे इसके स्थान पर ईश्वर को ही मांग ले, पर हमें डर सता था दुर्योधन की तरह के बैठे ठाले भगवान कुछ जब करेंगे नहीं तो इनको लेकर क्या करेंगे। तो एक ईश्वर के अवतार का तात्पर्य है कि हम चाहते हैं कि वो प्रत्यक्ष हो दृष्टिगोचर हो और उनका हम दर्शन करके अपने जीवन में धन्यता प्राप्त करें, इसके लिए व्याकुलता हो उत्कंठा हो प्रीति हो तो भगवान सामने भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान तो सर्वदा सर्वत्र निवास करते हैं, लेकिन ये क्या किया गया भगवान को पाने के लिए एक भावना उसकी चर्चा कौटिल्य के विस्तार से की गई थी, और यज्ञ के बाद जो अग्निदेव है उनके द्वारा जरूर और स्वरूप का वितरण। अब गोस्वामी जी को एक भावनात्मक एक धार्मिक और एक व्यवहारिक रूप देते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप एक आदरता से सुनो, इंद्रानियां चाहे अपने से जो नित्य आते हैं हर दिन तो कुछ होता बढ़े ही जाते हैं, उसका संकेत सूत्र यह है कि ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपौ। दरस दशरथ मानो मूर्तिमान वेद, और ये जो तीनों रानियां हैं
तो ज्ञान शक्ति या शक्ति और उपासना है। और उनके चरित्र का सूत्र भी वही है, कौशल्या जी के चरित्र से आप ज्ञान का क्या स्वरूप होता है उसे समझते हैं। और अगर आप उपासना भक्ति की पूर्णता को समझना चाहें तो सुमित्रा जी का चरित्र उससे बढ़कर क्यों जाते हैं। और क्रिया का क्या स्वरूप होता है, तो क्रिया के स्वरूप के लिए महारानी कैकेयी का चरित्र एक बड़े महत्व का सूत्र है। कैकेयी जी ऐसी पात्र है कि कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। और रामायण में तो उनकी निंदा भरी पड़ी, रामायण के इस युग के सभी पात्रों ने उनकी निंदा ही की है केवल भगवान राम को छोड़कर। तो भगवान राम की प्रशंसा को योग्यता का प्रमाण पत्र कभी नहीं मानना चाहिए, भगवान की प्रशंसा को उनकी उदारता का प्रमाण पत्र मानिए, अपनी योग्यता का नहीं। भगवान आपको अच्छा कह दे तो आप अच्छे नहीं, भगवान अच्छा कह दे तो बोलिए कितने अच्छे हैं कि हम जैसे व्यक्ति को भी अच्छा कर सकते। जब भगवान ने सुग्रीव से ये कहा, सुग्रीव तो भोग बैठोगे, प्रभु से मिलने भी नहीं आए थे, और जब आए और डरी डरी से आए तो भगवान ने कहा तुम क्यों घबरा रहे हो। और एक बात तो जोड़ दी, क्या तुम उन्होंने प्रिय भरत जी भाई, तो भरत के समान मुझे प्रिय हो, अब कोई सचमुच भरत से उनकी बराबरी कर सकती तो क्या है उसको क्या कह सकते। कहा भरत कहा सुग्रीव, कहा अंधकार कहा प्रकाश, कहा वैराग्य की पराकाष्ठा कहा भक्ति। पर वो इतने उदार है कि सुग्रीव से नहीं कह देते। तो भगवान ने कई की प्रशंसा किया जिससे आप प्रभावित मत हो जाते, वो प्रशंसा कर सकते हैं यही उनको दार जिसने कष्ट दिया उसी में प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो यह जो भगवान की प्रशंसा है वो तो केवल भगवान ने की, किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया, तो वशिष्ठ ने श्री भरत ने और निषाद ने, कोई छोटा बड़ा ऐसा था ही नहीं जिसने कैकेयी जी की निंदा नहीं। तो इस तरह से कैकेयी जी एक और निंदित और दूसरे और वंदित। क्रिया जो है, ज्ञान और उपासना और क्रिया में अंतर यह है, ज्ञान और उपासना तो केवल वंदनीय है, पर जहां क्रिया हो वहां पर निंदा और वंदना दोनों। आप देखते हो मेरी उम्र जो कुछ कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, क्या वो यह समझता है कि सदा उनकी प्रशंसा ही है, क्या उनकी निंदा कभी नहीं होगी। तो जहां क्रिया होगी वहां निंदा और उसके साथ साथ वंदना। आप कभी यश प्राप्त करेंगे कभी आपका ये हरेश हो जाएगा, कभी समाज में निंदा हो जाएगी कभी प्रशंसा हो जाएगी। लेकिन कैकेयी को आप उस संदर्भ में देखिए, मानो ज्ञान के माध्यम से भगवान राम करते और उपासना के माध्यम से लक्ष्मण और शत्रु का अंत प्रकट हुआ। और कैकेयी जी के उदर से श्री भरत का जन्म हुआ, इसीलिए इसको एक भिन्न रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। क्या तीनों राज्यों को शोभाशील और देश की खाने के रूप में देखा जाए, कौशल्या जी शोभामयी है, कैकेयी जी शील रही है, सुमित्रा जी तेजोमयी। कभी एक शब्द के द्वारा गोस्वामी ये संकेत करते हैं, कौशल्या जी शोभा की खानी, कैकेयी जी शील की खानी और सुमित्रा जी तेज की खानी। और खान का था जानते हैं, सोने की खान मैंने सोना नहीं, उसमें से सोना निकलता है। हीरे की खान मैंने हीरा नहीं, जहां से हीरा निकले। तो कैकेयी जी को शील मई बताना तो बड़ा कठिन, पर उनके हृदय से जो शील स्वरूप भरत वो अवश्य, मानो स्वयं वो शील मई तो है ही नहीं,
लेकिन उनके माध्यम से जिन भारत का जन्म हुआ वैसा तो दिलवान होना ही बड़ा है। और क्रिया के जो दोष है उनका निवारण निराकरण जो है श्री भारत के द्वारा होता है। और वो सूत्र तो आपने ध्यान से पढ़ा होगा कि अगर कई क्रिया है तो श्री भारत तो अनेक रूपों में देखा गया। एक प्रसंग में कहा गया श्री भरत को मूर्तिमान प्रेम भरत ही कहीं सराई सराही राम प्रेम मूर्ति तलवाई। और दूसरे प्रसंग में कहा गया जौन बोध जग जन्म भरत हो तो सकल धर्म धूरी धरण धर्म। श्री भरत मूर्तिमान धर्म है और दूसरे में कहा गया मूर्तिमान प्रेम। अब इसका तात्पर्य है कि क्रिया चाहे निंदित हो क्रिया में चाहे जितने दोष हो लेकिन क्या व्यक्ति क्रिया का परित्याग कर दे कि अरे भाई क्रिया में तो निंदा है क्रिया में तो आलोचना है ऐसा आप मानना पड़ी हो। कर्म तो अनिवार्य है क्रिया आप अस्वीकार नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर रहा हो किंतु क्रिया के माध्यम से अगर जीवन में धर्म और भगवत प्रेम दोनों का एक समन्वय उत्पन्न हो जाए तो क्रिया करने का इसलिए बहुत बढ़िया सुरक्षा जी सब चुनाव। अब जिनको संदेह था ये जो कुछ है इसके पीछे भरत का षड्यंत्र है तो स्वभाव का वापस में आलोचना करते हुए कहते थे कि भरत का बुरा होना तो स्वाभाविक है जो कि परे कोदो बालिश उसाली मुक्ता प्रसव के सम्मुख काली। अरे पौधों के पौधे से पौधे ही पैदा हो धान तो नहीं निकला नहीं तो जब ये कैकेयी के बेटे हैं तो कैकेयी जैसे होंगे तो तर्क पहले से भी किया गया जैसा संदेह था। पर जब भरत को बिल्कुल भिन्न रूप में देखा तो किसी ने कहा तुम तो कहते थे कि पौधों से धान पैदा नहीं होता कैकेयी से भरत। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जैसे सर्प में मणि हो उसका। उन्होंने कहा कि ये जो मणि है वो हरी लरल दारुद दही वस्तुतः जैसे यह मणि सर्प में निवास करने पर भी सर्प के दोष को अपने में नहीं उतारती अपने उसके विष को उतारने लगी एक कवि सत्य है मान्यता। तो भरत का चरित्र और व्यक्तित्व मानव क्रिया के साथ जो समस्याएं होती है क्रिया के साथ अभिमान क्रिया के साथ आसक्ति क्रिया के साथ फल की आकांक्षा इस जीवन में समाज में दिखाई देती है। पर भरत जैसा व्यक्ति जब भरत जैसा प्राकृत्य किसी संत और महापुरुष का होता है तो क्रिया के समस्त दोषों का निराकरण करके उस क्रिया को इतनी उज्ज्वलता प्रदान कर देते हैं कि वो क्रिया जो है वो स्वयं भी पवित्र हो जाती है श्री भरत जैसे पुत्र को जन्म देकर। इसलिए जब चारों ओर से निंदा हो रही थी तो कैकेयी की प्रशंसा के लिए प्रभु के पास तो कोई संकल्पता ही नहीं क्योंकि श्री भरत ने भाषण ही से प्रारंभ किया चाहे भाषण मजबूर वशिष्ठ करें तो भी पहले कैकेयी की निंदा करते हैं प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी कहीं प्रारंभ ही होता है कहीं कहीं। और जब भरत भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने भी कही कही ये सब क्या क्या बोले जननी कुमति जगत संसार संसार जानता है कि सब कुबुद्धि का ये परिणाम। अब प्रभु को भाषण देना है और प्रभु को तर्क कैसे दे कई में ऐसी विशेषता हो सकती है तो भगवान ने तर्क को बड़े मीठे रूप में बदल दिया। भगवान राम ने कहा दोष देही जननी जड़ देही नाही न साधु सभा जन को जो हमारी माँ को दोष देते हैं और शब्द कितना सुंदर किया जननी क्या बोले आप निंदा करते समय ये क्यों भूल जाते हैं कि जिसने भक्त जैसे भक्त को जन्म दिया हो बुरा कैसे हो सकता है।
बात ये बताए कि ये कैसे है भरत जैसा, अगर ये न होती तो भरत जैसा हम संत कैसे सरकार में। मानो कैकेयी में स्वयं जो दोष थे वो दोष तो किया न होंगे, रहते ही है, लेकिन अगर क्रिया को परिवर्तित किया जाए और क्रिया को भगवत भगवान से जोड़ा जाए, आशक्ति से मुक्त किया जाए, अभिमान से भिन्न अपने आप को बना करके अगर व्यक्ति क्रिया का अनुसरण करे तो वो क्रिया कर जाता है, उसके दोष मिट जाते हैं। इसीलिए कहते ही जी के महल में महाराज दशरथ गए तो उनकी सारी साधना समाप्त हो गई। बहुत अवसर का व्यय और व्यय नान विश्वास ऐसी स्थिति आई और उन्हीं महारानी कैकेयी के महल में भरत जी गए और भरत जी ने ऐसा तीव्र आक्रोश और प्रकार से कैकेयी को पूरी तरह से दोष शून्य बना दिया और उनको ज्ञात था कि सारा अनर्थ इन्होंने किया है मेरे प्रति ममता के कारण। वो ऐसे स्थिति में जब तक जीवन में ममता रहेगी मनुष्य के जीवन के दो मुख्य संकेत हैं और वो समस्या है अहंता और ममता, मैं और मेरा। तो मैं और मेरे पन में दोनों हम लोग एक गलत भटक गए। मैं कहते समय शरीर होता है, मैं मनुष्य हूं, और जब हम किसी को मेरा कहते हैं तो जो शरीर से जुड़ा हुआ है ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा संबंधी है, तो मेरे पन के नाते के लिए शरीर और स्वयं को शरीर मानना, जिसकी चर्चा अभी आप प्रतिबंधा से देहाभिमान शब्द से सुन रहे थे, ये बड़ी कठिन सुन, ये जीवन में इतना कठिन है मैं और मेरा पन कि वो तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये कहना पड़ा, ममता पूर्ण गई मन, ममता छूटती नहीं है, यह ममता व्यक्ति के जीवन में संपूर्ति का ममता निरंतर का बढ़ती जाती है, ममता का आकर्षण बढ़ता जाता है। और तब श्री भरत की दृष्टि क्या है, इस सारा जो अनर्थ हुआ वो तो देह भाव से हुआ, कैकेयी जी ने मान लिया कि मैं माँ और मेरे शरीर से भरत का जन्म हुआ इसलिए भरत मेरा असली दोस्त है। और मंत्रा ने व्याख्या भी यही किया जब कैकेयी जी ने कहा राम तो मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, मुझे तो अपनी माँ से अधिक चाहते हैं, तो एक वाक्य के द्वारा वो दृश्य बदल दिया और ये नित्य घरों में बदलता रहता है, समाज में बदलता रहता है। कई कई जिसे मंत्र एक मंत्र काट में डाल दिया कि ठीक है, राम भी आपको माँ पिता के, राम भी माँ कहते हैं, भरत भी माँ कहते हैं, पर इस बात को मत भूलिए कि अपना अपने होता है पराया पराए, ये तो घर का महामंत्र है। और अपना माने जो शरीर से जन्म ले हो अपना और जो शरीर से अलग है वो पराया, तो फिर वो ममता कभी छूटेगी न, हम अपने को पहचान पा रहे हैं न मेरा और ऐसे पहचान पा रहे, जिससे हम आज मेरा कह रहे हैं कल तेरा हो जाता है, कुछ दिन मेरा लगता है बाद में उसी के प्रति द्वेष हो जाता है, उसी का प्रति विरोध भी हो जाता है। तो ये जो मैं और मेरा मन है ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि व्यक्ति ने जो मैं को पहचानने में ही भूल कर दिया तो मेरापन तो सही पहचान ही नहीं सकता। इसीलिए द्वाहौली में और अन्य ग्रंथों में गोस्वामी जी ने इसकी बड़ी युक्त संगत दर्शन दिया है। क्या वो सुमित्रा जी और कैकेयी जी में आपन धर्म और समझ नहीं होते, सुमित्रा जी लक्ष्मण से ये कहती है जब प्रभु के वनगमन का समाचार सुमित्रा जी ने सुना और लक्ष्मण से यह प्रश्न किया पर तुम यहाँ कैसे आए हो अगर श्री राम बन जाए, तो प्रभु ने आज्ञा दिया कि माँ से आज्ञा मांगो, तो क्या माँ से आज्ञा लेने के लिए यहाँ आना चाहिए, तब कहाँ जाना चाहिए। मित्र जी ने कहा
साथ तुम्हारी माँ को बैठे पिता राम से भक्त सले। जब राम ने कहा कि माँ से आज्ञा मांगो तो उसी समय सीता जी से आज्ञा मांगने चले जाते। शब्द इतना सुंदर सुना, बोले वैदेही हो करके, वैदेही के बेटे हो, वैदेही बने बेटे वैदेही का जन्म ही जो हुआ वो जैसे भी हुआ। सीता जी तो महाराज जनक की पत्नी सुनारा के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, सारा नाता तो भाव था। उन्होंने पुत्र मान लिया, उन्होंने कहा तुम वैदेही के पुत्र होकर के देखो माता मान लिया। एक माँ वह है जिसने दृष्ट दिया, देह माता नहीं हो सकती, केवल वो जन्म दे सकती है, का एक पात्र है, लेकिन वस्तुतः तो मैं तुम वैदेही के पुत्र हो, इस बात को तुम मत बोलो। और एक माता को यह पाठ पढ़ाया गया कि माता को देह की होती है, सब कुछ देह है तो ठीक है, नहीं तो मतलब मानो जब देह को केंद्र बना के मैं और मेरा बन जुड़ेगा तो अनर्थ ही है। और जब भाव को हम सबसे अधिक बढ़ा, हम शरीर का नहीं है, शरीर का महत्व है, शरीर की मर्यादाएं हैं, लेकिन शरीर से भी ऊपर भाव है। तो शरीर में तो लचारी है, आप चाहे भी तो जिसके शरीर से जन्म हुआ उसी से होगा, तो आपका बनाया बने, पर भाव में अगर किसी को आप माता स्वीकार करें तो आप सुनेंगे कि किसको बना, और वो शरीर की वृत्ति से नहीं कहो तो भाव की वृत्ति से होगा। तो बहुत ये सुनता की उपासना क्यों है, वो देह भावना से ऊपर उठी। और कई कई की सबसे बड़ी समस्या है कि देह भावना से मुक्त नहीं है। मंत्रा ने देह भावना भावना को और बढ़ा दिया, तो भरत जी ने कई कई को इतना क्यों फटकारा, वो किसी तरह इनकी ममता को नष्ट ही कर देगा। और ममता को नष्ट करने के लिए जो जो बातें कहे, कई लोग पढ़ करके कहते हैं क्या किसी पुत्र को माँ से ऐसे होना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा जब चाहे कुमत कुमत दिए कहूँ खंड खंड हो हृदय गए हूँ, बर मांगत मन भिंग ही किया, गए जीर मुंह परम किया। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, बोले ममता को नष्ट करने के लिए तो कठोर ही बने, कठोर बनना ही होगा। ममता को तो वस्तुतः तब तक ममता तो केवल अगर मैं बहुत सम्मान दूंगा तो ममता और बढ़ेगी। और ऐसा संस्कृत भाषा में जब उन्होंने पढ़ाया, और बाद में कहीं की चतुर उठ गई, फील का पूरा अगर आनंद आप दे रहे थे तो पड़ी। उस समय भगवान श्री राम माँ कैकेयी से पहली बार, सबसे पहले तीनों माताओं ने उन्होंने किया रूपाल कैकेयी को ही सम्मान दिया। और इसका भी अर्थ यही क्रिया परायण व्यक्ति को आप ऊंचा स्थान जरूर दें, उसकी चाह है, क्रियावान व्यक्ति चाहता है उसे मरा तो मिला। भगवान राम ने कैकेयी जी के हृदय से लग गए। किसी ने बाद में ध्रुव से पूछा आपको मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपको तो पहले नियम से अनुकूल भी माँ को चिल्ला तो प्रणाम करते हो बड़ी है, और बाद में जी कैकेयी जी को प्रणाम कर सकते, तो प्रण करना राजकुल की परंपरा अलग होती, वहां जो राजमाता होती वही बड़ी होती है। कैकेयी जी राजमाता थी और मैं तो राजा था नहीं, जिससे राजमाता को पहले प्रण प्रणाम, लेकिन अकेले ने देखा तो बड़ी जात में। तो ब्रह्म ने पूछा कि माँ मैं तो जानता हूँ कि तुम मेरी याद करती रहती हो, वही बताओ मेरी याद में सबसे अधिक कब आई। तो कहीं ने कहा जब भरत ने मुझे फटकारा इतनी तुम्हारी याद आई। ये सोच करके कि जिसे पुत्र मान करके इतना अनर्थ मैंने किया वो इस तरह बोला, और जिसको मैंने वचन के माध्यम से बन भेज दिया, जाते समय क्या बोलते हैं, मुझे लगने लगा कि शायद उससे भूल ही हुई है। इस प्रकार से मानो भर दिए ही जाते हैं, जब ये कोई कहे कि माँ की याद आई तो नहीं, प्रभु की याद आई यही तो चाहते। और इसीलिए कहा जाता है कि जब
प्रभु सिंहासन पर बैठे और श्री भरत ने तो नियम बना लिया। कभी भी उन्होंने कैकेयी जी को वनगमन के बाद माँ कह करके नहीं बुलाया, महारानी कह माँ ने। अब क्या रोट करते थी माने जी महारानी कहते हैं माँ नहीं कहते। तो प्रभु ने एकांत में कहा तुम तो बहुत ही कोमल स्वभाव के हो, तुम ये बताओ कि माँ कैकेयी को तुम माँ तो नहीं कहते। प्रभु ने पहला भरत जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। भरत जी ने कहा आप तुम्हें क्या कहते हैं, मैं तो माँ कह रहा हूँ, भी कह रहा हूँ माँ कहता हूँ। आपके मुंह से माँ सुनने के बाद अगर किसी के मन में दूसरे के मुंह से सुनने की इच्छा तो उसने पहचाना ही नहीं आप जिसको माँ कह रहे हैं उसको किसी चाल की होनी नहीं चाहिए। इसलिए कैकेयी को अगर आप माँ कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं, और कोई कहता है कि नहीं, क्या मान फिर भी व्यवहार के लिए तुम भाषा में तो मांग कर सकते। तो कहने प्रभु कोई अपमान के लिए नहीं, तो प्रभु कोई बस तो बहुत अच्छी हो, पर किसी के लिए कुपथ हो उसे देना चाहिए कि नहीं, नहीं कुपथ है तो अच्छी और तो भी नहीं देना चाहिए। बोले मैंने इसलिए मांग कर करके नहीं दोबारा ये ममता और तरह का सब कुछ, पर कैकेयी के जीवन में तो सारा अनर्थ इस माँ शब्द ने किया। तो मैं डरता हूँ कि फिर माँ से कहूँ और फिर से कोई नहीं योजना बनने लगे। इससे अच्छा है कि आप मेरे मुंह से इन्हें माँ मत कर रहे, ये कुपथ्य मेरे लिए है और इसी में कल्याण प्रारंभ कर। तो मानो जितने कैकेयी की भाषा में जो कठोरता है, निर्ममता है, जिस प्रकार से जिस भाषा में होती है, उसमें तो जीव का कोई केंद्र नहीं है, लेकिन उसका मान राम श्री भरत ने शील के द्वारा किस तरह से एक नई दृष्टि दी और नया दर्शन दिया, इसका परिचय आपको श्री भरत के साथ जिसने कौशल्या जी के माध्यम से ज्ञान रूपा ज्ञान दिया, सुमित्रा जी के माध्यम से कई परम भक्त के लक्ष्मण और श्री भरत के कैकेयी जी के माध्यम से शील स्वरूप भरत का जन्म हुआ। इसका अभिप्राय जीवन में आवश्यकता है यह की आवश्यकता है भावना की और आवश्यकता है। पर एक बात जो कल कही गई थी कि ये जो शुभाशील तेज एक रूप जो दिया गया यही जीवन में परिपूर्ण होता है, शोभा भी हो, शील भी हो, तेज भी हो, इस अवतार में ये सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी चर्चा कल आज बोलिए।